सर क्या कहना चाहते हैं, जो लोन वाले आते हैं एक आईडी पर पांच पांच लोन देकर बिना जांच किए हुए लोन दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको चाहिए अपना जांच करना चाहिए, क्या इसका विधि व्यवस्था है, वो पूछता नहीं है, सीधे आए और समूह बना के 12 आदमी 13 आदमी को लोन दे देता है। आज जब महीना पूरता है उसको पैसा नहीं जुड़ता है तो कहता है पेटी उठाओ, थाली उठाओ, गैस उठाओ, ऐसे के साथ क्या करना चाहिए? उठाता है तो ऐसा आदमी को सरकार सही रहे तो सब को पकड़ करके और उससे पूछे पैसा इतना लाया कहाँ से, तो ये तो कुछ कर नहीं रहा है, न प्रशासन कर रहा है, न सरकार कर रहा है, न कुछ कर रहा है, लोग फिर अपना औरत सब को बांट रहा है, मर्द उसका दिल्ली बॉम्बे कमाता है, औरत सब पैसा 1% ब्याज पर बोलता है, वो ना 1% हम कहता है की 1% लगेगा, 5% जोड़ के ले रहा है, 18% है ना, अब गरीब सब मर रहा है, लेने वाला बेवकूफ और देने वाला। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण का भीड़ है, प्रताड़ित इतना ही करना है कि लोन दे दे, वो आत्महत्या कर रहा है, लोग घर छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो अपन जमीन बेचे या खांसी बेचे या बाछी बेचे या मर्दावा के बेचे या रोड पर आवे, वैसे लोन वाला क्या जरूरी है? टाइम बनाए उस समय पैसा देना चाहिए, फांसी लगावे या घासी लगावे वैसे क्या जरूरी? सीधे आए और समूह बना के 12 आदमी 13 आदमी को लोन दे देता है, आज जब महीना पूरता है उसको पैसा नहीं जुड़ता है तो कहता है पेटी उठाओ, थाली उठाओ, गैस उठाओ, उसको जांच पर रख के दीजिए ना पैसा, देगा कि नहीं देगा। बैंक वाला को जब भी लोनिंग को लोन देना है वह उसकी आधार से उसका सब कुछ जांच कर ले कि कै गो किस्त उठाया है, कहां से बैंक से लोन लिया है, इसके बाद इस आधार पाएगा कि नहीं पाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, यह सब समझ करके ग्रुप में ग्रुप वालों से भी पूछना चाहिए। 5 लोन उठाया उसको भी दे रहा है, 1 उठाया उसको भी दे रहा है, बैंक की गलती है, चलिए आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके नजर में जो लोन वाला प्रताड़ित कर रहा हो ज्यादा, कुछ ऐसा हो तो आप सूचना दे सकते हैं? अच्छा ठीक है सर, अपना मोबाइल नंबर इनको बता दीजिए एक बार। मेरा मोबाइल नंबर हुआ है 8100292962 8182932। इस पे आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं, सूचना देने के आधे पौन घंटे में हमारा टीम आपके पास पहुंच जाएगा और पहुंच के आपकी समस्या का निराकरण कर सकता है। आज मोहनी मंडल में कैसे आना हुआ था सर? एक यहाँ से फोन गया था नागेंद्र राय जी के यहाँ से। क्या समस्या था उनका? हमको L&T कंपनी है जो कि हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास सूचना गया है, तो हम लोग आ जाए हैं, तो उनको बुलाया गया है, तो उनसे पूछा गया, तो वो 4 महीना का टाइम मांगे हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति अभी खराब है, हमको 4 महीना का टाइम चाहिए, 4 महीना के बाद हम पे कर सकते हैं, तो हमने बोला उनसे तो एक्सेप्ट किए हैं कि ठीक है 4 महीना के बाद से हम, मतलब फिलहाल जो मोहनी मंडल में जो एक आदमी प्रताड़ित हो रहा था तो उनको टाइम दिया गया है अपनी कंपनी के द्वारा, बैंक वाला स्वीकृत किया है कि 4 महीने के बाद ही हम लेंगे। हाँ, 4 महीने के बाद ही वो उनके पास आएगा, अन्यथा उससे पहले वो नहीं आएंगे, और उनसे पहले अगर आएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।